नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के शहर उदयपुर के बारे में। उदयपुर राजस्थान का एक पर्यटन स्थल है जो अपने इतिहास, संस्कृति एवं अपनी आकर्षक झीलों के लिए प्रसिद्ध है। इसे सन 1559 में महाराणा उदय सिंह ने स्थापित किया था। अपनी झीलों के कारण यह शहर झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उदयपुर शहर सिसोदिया राजवंश द्वारा शासित मेवाड़ राज्य की राजधानी रहा है। उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर, सैलानियों का स्वर्ग, झीलों की नगरी तथा फाउंटेन और माउंटेन का शहर जैसे नामों से विभूषित किया जाता है। स्वतंत्रता पूर्व उदयपुर मेवाड़ रियासत की राजधानी थी। मेवाड़ के महाराजा उदय सिंह ने सन 1559 में इस सुंदर नगर की स्थापना की थी। उदयपुर के राजमहल इतने सुंदर और भव्य हैं कि प्रसिद्ध इतिहासकार फर्ग्यूसन ने इन्हें राजस्थान के विदुंसर महलों की संज्ञा दी। उदयपुर पिछोला झील के तट से लगभग 800 फीट की दूरी पर एक टापू पर जगन्निवास महल, वर्तमान में लोक निर्माण, महाराजा जगत सिंह द्वितीय ने सन 1749 ईस्वी में करवाया था। उदयपुर की प्रसिद्ध फतेह सागर झील का निर्माण सर्वप्रथम सन 1678 ईस्वी में महाराजा जय सिंह ने करवाया था, परंतु एक बार अतिवृष्टि ने इसे तहस नहस कर दिया, जिसके बाद इसे पुनः निर्मित करवाने का श्रेय महाराणा फतेह सिंह को है। इनके नाम पर ही इसका नाम फतेह सागर झील रखा गया। उदयपुर के हपाला ग्राम में 1989 ईस्वी में एक शिल्प गृह का सृजन किया गया। विश्व में मीठे पानी की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील जयसमंद झील उदयपुर में है। उदयपुर में हर वर्ष गणगौर के त्योहार पर 2 दिवसीय मेवाड़ महोत्सव तथा हर वर्ष दिसंबर में शिल्प ग्राम उत्सव मनाया जाता है। उदयपुर का भारतीय लोक कला मंडल देश विदेश में अपने नाट्य नृत्य एवं कठपुतली प्रदर्शनों के लिए ख्याति अर्जित कर चुका है। आइए अब जानते हैं उदयपुर के कुछ दर्शनीय स्थलों के बारे में। पिछोला झील। महाराणा उदय सिंह ने इस शहर की खोज के बाद इस झील का विस्तार कराया था। झील में 2 द्वीप हैं और दोनों पर महल बने हुए हैं। एक है जग निवास, जो अब लेक पैलेस होटल बन चुका है, और दूसरा है जग मंदिर। जग निवास द्वीप। पिछोला झील पर बने द्वीप पैलेस में से यह एक महल, जो अब एक सुविधाजनक होटल का रूप ले चुका है। कोर्टयार्ड कमल के तालाब और आम के पेड़ों की छांव में बना स्विमिंग पूल मौज मस्ती करने वालों के लिए एक आदर्श स्थल है। जग मंदिर। पिछोला झील पर बना एक अन्य द्वीप पैलेस, यह महल महाराजा करण सिंह द्वारा बनवाया गया था, किंतु महाराज जगत सिंह ने इसका विस्तार कराया। महल से बहुत ही शानदार दृश्य दिखाई देता है। सिटी पैलेस। प्रसिद्ध और शानदार सिटी पैलेस उदयपुर के जीवन का अभिन्न अंग है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा महल है। इस महल का निर्माण शहर के संस्थापक महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने करवाया था। शिल्पग्राम। शिल्पग्राम उदयपुर में है, जहां गोवा, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के पारंपरिक घरों को दिखाया गया है। यहां इन राज्यों के शास्त्रीय संगीत और नृत्य भी प्रदर्शित किए जाते हैं। सज्जनगढ़ मानसून पैलेस। उदयपुर शहर के दक्षिण में अरावली पर्वतमाला के एक पहाड़ की चोटी पर एक महल का निर्माण महाराज सज्जन सिंह ने करवाया था। यहाँ गर्मियों में भी अच्छी ठंडी हवा चलती है। सज्जनगढ़ के उदयपुर शहर और इसकी झीलों का सुंदर नज़ारा यहाँ से देखा जा सकता है। मोती नगरी। यहाँ प्रसिद्ध राजपूत राजा महाराणा प्रताप की मूर्ति है। मोती नगरी फतेह सागर के पास की पहाड़ी पर स्थित है। मूर्ति तक जाने वाले रास्तों के आसपास सुंदर बगीचे हैं, जिसका जापानी रॉक गार्डन दर्शनीय है। सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी दासियों के सम्मान में बना हुआ एक बाग है, जिसे बहुत ही अच्छी तरह से सुसज्जित किया गया है। इसमें कमल के तालाब, संगमरमर के हाथी और कियोस्क बने हुए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए ग्रेजुएट एकेडमी को लगातार देखते रहिए
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए ग्रेजुएट एकेडमी को और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग अस।